नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी ही नहीं, एक मेगा सिटी है। और दिल्ली के अंदर जब हम लोग किसी बात की मांग करते हैं तो साथ साथ दिल्ली ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे देश के अंदर इस प्रकार की मेगा सिटीज हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर माइग्रेंट लेबर रहती है, जहां पे अर्बन पुअर रहते हैं, जहां पे झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, जहां का शहरी गरीब बहुत बड़ी तादाद के अंदर पीड़ित हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर सड़क के ऊपर उतर करके अपने अपने गांव में वापस जाने के लिए उतरा, और उसके संबंध में कुछ बातें हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और दिल्ली स्पेसिफिक आज मैं कहूंगा, लेकिन दिल्ली के साथ साथ में मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे देश के अंदर और जो बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं उनके भी साथ में हम लोग उनकी बात को भी इसी प्रकार से उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कल तक के 1640 टोटल पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, जो कि हमारे देश में दूसरे नंबर पर। इसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज कल पहली बार देखने को मिली कि 135 आज तक के सबसे बड़ी तादाद में अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रहा है। ये परसों तक के 81 था और 81 से जंप करके सीधे 135 हो गया है, जो कि आज तक के पूरे इस दो महीने के पीरियड में हाईएस्ट एवर है। और अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? हमारे यहां पर जो भी केसेस ट्रेस नहीं हो पाते हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं। और अंडर इन्वेस्टिगेशन 135 में दिल्ली के अंदर आना खास तौर के ऊपर इस वजह से ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि बाकी केसेस के अंदर हमें मालूम है कि कहां से आ रहे हैं, और ये लगभग 9-10% जो है अभी तक के पता ही नहीं है कि ये कैसे ये केसेस आए हैं, कैसे ये पॉजिटिव हुए हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ, हम लोगों का दिल्ली के अंदर हम जो स्टेज 3 जो हम कहते हैं, क्या हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम सबसे पहले यह दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 135 इन्वेस्टिगेशंस अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो क्या हम लोग धीरे से दिल्ली के अंदर स्टेज 3 के अंदर हम पहुंच रहे हैं? इस चीज की जरूर हम चिंता भी जाहिर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, और साथ साथ के अंदर हम इनसे जानकारी भी चाहेंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से। ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, कहीं पर भी 55 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं कहीं पर भी इन्फेक्ट हुए हैं। कल एक नेशनल डेली के अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी इस पे करी हुई है, और उन्होंने बताया है, पिक्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के पास में पीपीई की कमी होने की वजह से कई जगह के ऊपर एक्सरे की जो ब्लैंक एक्सरे है उसको आंख के ऊपर रख करके उसको एज अ शील्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि कहीं वो लोग इन्फेक्ट ना हो जाएं। ऐसी स्थिति और ऐसे पिक्चर्स कल हमारे को दिल्ली के अंदर देखने को मिले, जो बड़े शर्म की बात है। और दुख की बात यह है कि पहली बार ये हम लोग आप सब लोगों को उसके मिनट्स भी मीटिंग के देंगे, 4 अप्रैल की मीटिंग, इसी महीने 4 अप्रैल की मीटिंग के अंदर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल्स के रियलिस्टिक एस्टिमेट्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स लाइक N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट एक्सेट्रा इन ऑल पब्लिक सिनेरियोस को लिया जाना चाहिए, को हॉस्पिटल से मंगाया जाना चाहिए। 4 अप्रैल को तो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जागते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि कितनी जरूरत हमें है। तो आप सोच लीजिए कि जब तक 4 अप्रैल तक की जानकारी ही नहीं इकट्ठी करी गई थी तो सरकार के लाजमी था कि ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग जो है क्रिटिसिज्म में और आगे नहीं जाना चाहते, सिर्फ 10 सुझाव के तौर के ऊपर हम लोग जो है 10 सुझाव केजरीवाल सरकार के सामने और साथ में दिल्ली के साथ साथ और जैसे मैंने कहा दूसरे और मेगा सिटीज के लिए भी कहना चाहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल पिज्जा डिलीवरी बॉय वो पॉजिटिव निकला है, तो ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि पिज्जा डिलीवरी बॉय और डिलीवरी बॉयज जो है दिल्ली के अंदर स्विगी, जोमैटो और दूसरे सब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली में इनका काम होता है, और जो भी डिलीवरी इसके प्रोवाइड करते हैं उनका काम होता है। तो हम लोग सबसे पहले सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि जितने भी लोग, इंक्लूडिंग चाहे आप लोग जो हमारे प्रेस रिपोर्टर्स भी एग्जेम्प्टेड हैं,
हमारे लॉकडाउन पीरियड के अंदर डिलीवरी बॉयज जो हमारे एग्जेम्प्टेड हैं, इवन सफाई कर्मचारी जो एग्जेम्प्टेड हैं, इन सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए और उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए एज रेगुलेशंस, ताकि वो बाइंडिंग हो। जब तक के वो नोटिफाई नहीं किए जाएंगे एसओपीज, वो बाइंडिंग नहीं होंगे उनके एम्प्लॉयज के ऊपर, और वो लोग जो है कोई भी उसको फ्लाउट कर सकेगा और पनिशेबल नहीं होंगे। तो इसलिए एसओपीज को रेगुलेशंस की तरह नोटिफाई किए जाने चाहिए और वो बाइंडिंग होने चाहिए, और वो एसओपीज से ये बताया जाना चाहिए कि क्या प्रोटेक्शन गियर्स उनके एम्प्लॉयज उनको दें, क्या जिसमें सैनिटाइजर्स होने चाहिए, जिसमें मास्क होने चाहिए, जिसमें हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ये एसओपी का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरा एसओपी का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी को नजर आता है, जैसे ये पिज्जा डिलीवरी बॉय जब सिम्टोमेटिक हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल्स ने इसका टेस्ट करने से मना कर दिया, कहा कि आपका कोई फॉरेन विजिट नहीं है, कोई फॉरेन विजिटर का कांटेक्ट नहीं है, तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। तो एसओपीज के अंदर इनको टेस्ट करना भी इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, और एकदम से टेस्ट होना चाहिए जैसे ये सिम्टोमेटिक होते हैं, तो इनका इंतजार नहीं होना चाहिए। दूसरा साथ साथ, तीसरा साथ साथ में इसमें एक और चीज हम